देखो दोस्तों, मोटोरोला के डिवाइसेस में जो एंड्रॉइड 14 का अपडेट्स आ रहा है और इसको जब हम कंपेयर करते हैं लावा के मोबाइल में जो कि एंड्रॉइड 14 के अपडेट्स वगैरह, काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब दोनों यहाँ पे। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो अभी देखो मोटोरोला के डिवाइसेस ना काफी हद तक जो है ना काफी ज्यादा सेल हो रहा है। रिसेंटली मोटोरोला के कुछ डिवाइसेस लॉन्च हुए जिसमें काफी ताबड़तोड़ परचेज वगैरह हुआ, जो कि काफी अच्छा चीज है। हालांकि देखो मोटोरोला जो है ना काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फोन्स वगैरह बना रहा है, बट वही अगर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में देखा जाए, जो एंड्रॉइड 14 के अपडेट्स वगैरह डिपार्टमेंट में देखा जाए, जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को जो सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वहां पर जो ना थोड़ा सा ढीला पड़ जा रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा क्यों। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लावा मोबाइल्स का एक ट्विटर हैंडल है एंड यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली आप टाइम वगैरह देख लो और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट जाकर के यहाँ पे प्रोवाइड करा गया ब्लेज के डिवाइस पे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे अगेन ब्लेज प्रो का रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ डेज पहले ही, अगेन कुछ दिन पहले जिन एक और सॉफ्टवेयर अपडेट एंड उसके कुछ दिन पहले यूआर 2 के ऊपर में सॉफ्टवेयर अपडेट, फिर उसके कुछ दिन पहले सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया स्टॉर्म 5G पे एंड डेट्स वगैरह देख रहे हो दोस्तों, एक महीने के अंदर में कितने सारे युवा 3 पे आ गया है एंड यहाँ पे देखो मतलब एक महीने के अंदर 5-6 अपडेट्स वगैरह रिलीज कर दे रहा है, किसी को एंड्रॉइड 14 दे रहा है, कहीं सिक्योरिटी पैच का अपडेट्स हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो देखो अपडेट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, अब सिक्योर करने के लिए अपडेट दिया जा रहा है, नए फीचर्स वगैरह अपडेट, बट हाँ अपडेट्स तो मिल रहा है। बट वही अगर मैं मोटोरोला की टीम के हैंडल पे लेके जाऊं तो यहाँ पे भाई साहब अपडेट के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि जब भी ये लोग अपडेट रिलीज भी करते हैं तो कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बताते हैं, और जब भी कभी हम इनके कस्टमर सपोर्ट से पूछते हैं तब पर भी ये लोग नहीं बताते हैं, सिंपल बताते जब अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। मतलब देखो मोटोरोला इतना बड़ा कंपनी है, आई थिंक इनको सॉफ्टवेयर अपडेट में काफी कुछ करना चाहिए। हालांकि देखो फोन्स वगैरह जो है रिसेंटली अभी जो भी फोन्स वगैरह मॉडल जैसे कि मोटो एच 50 फ्यूजन वगैरह हो जाए, मोटो एच 50 प्रो वगैरह हो जाए, काफी अच्छा फोन बना है। इनफैक्ट मोटो जी 34 भी काफी तगड़े लेवल का फोन बना है, बट वही लैक करता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो ना हार्डवेयर का उतना कंपैरिजन नहीं है बट जितना सॉफ्टवेयर का हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के मदद से जो आपका फोन के अंदर में काफी तगड़े लेवल के फीचर्स आता है, सिक्योरिटी होता है एंड काफी कुछ नए नए चीजें हमें देखने को मिलता है एंड फोन बहुत ही स्मूथलेस एंड बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे मोटोरोला के पेज के ऊपर में तो मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही देखने को मिलेगा, नए लॉन्चर्स ही देखने को मिलेगा, कहीं भी सॉफ्टवेयर अपडेट सिक्योरिटी अपडेट के बारे में मतलब कुछ भी नहीं लिखा। हालांकि देखो लावा का अगर मेन पेज पे जाए तो यहाँ पे भी आपको जो ना एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, जैसे नए फोन लॉन्चर्स के बारे में मिलेंगे, बट बीच बीच में आपको डेफिनेटली जो ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड जो भी अपडेट्स नए रिलीज कर रहे हैं उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो भी कंज्यूमर्स वगैरह जब भी ट्वीट्स वगैरह करते हैं उसके भी रेस्पॉन्सेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो ये कोई बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं है लावा, हालांकि देखा जाए तो बहुत ही छोटा कंपनी है मोटोरोला के लिए, मोटोरोला एक बहुत ही लार्ज बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा यूजर बेस है, बहुत ही तगड़े लेवल के फोन्स बनाती है, लावा थोड़ा उसके सामने बच्चा जैसे है। बट हाँ ये बात तो दाग देनी पड़ेगी कि लावा जो ना अपने कंज्यूमर्स का अपडेट्स जो है ना फोन्स के अंदर में काफी अच्छे टाइमली मैटर से देता है, साथ में उसको नोटिफाई भी करता है ये अपडेट आया, और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग जब लावा के पास में लेके जाते हैं उसको भी शायद बहुत जल्द से रिएक्ट करते हैं सुनते हैं। बट मोटोरोला की टीम में ये सभी चीजें दिक्कतें मुझे तो देखने को मिला भाई। यस अगर आपके पास में मोटो एच 40 न्यू है, जहां तक जो ना रूमर्स वगैरह आया था कि अभी मई महीने के एंड तक जो ना अपडेट देखने को मिल जाएगा, और अभी तक जो ना अभी 2-3 दिन ही बचा हुआ, बट अभी तक जो ना कोई भी अपडेट्स वगैरह पुश नहीं हुआ है, बट आई होप कि गाइस इसके अंदर में बहुत ही जल्द आ जाना चाहिए वो अपडेट, बट देखने वाली बात है कि कब अपडेट रिलीज होता है। जैसे ये सभी अपडेट्स वगैरह आते हैं मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ आप लोग को क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है लावा मोटोरोला के बीच में जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में कौन अच्छा है, कौन बेटर है, किसका यूजर एक्सपीरियंस बेटर है, कौन वैल्यू फॉर मनी अच्छा प्रोवाइड करता है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं, हमारे लिए और बाकी और भी यूजर्स के लिए हेल्प होता है इससे। भाई गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा थोड़ा सा कंपैरिजन कवर करके आपको बताऊं कि कितना डिफरेंस है दोनों अलग अलग कंपनियों में, किस तरह से अपने कंज्यूमर को अपने फोन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स या फिर कंज्यूमर सपोर्ट्स वगैरह किस तरह से प्रोवाइड कर, आई होप कि एक आइडिया मिल गया होगा। भाई गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं गाइस आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।